आज मेरे भैया भाभी आ रखे हैं यहाँ पे गाइस, और हेलो हेलो, अभी लंच चल रहा है इस समय, इसलिए मैं कैसे बनाया बाबू। अरे वाह, आकर कैसे बना था। अरे बच्चे तो भाभी है मेरी। नमस्ते मम्मी जी। अरे बच्चे बैठ, अरे बैठ, अभी ये जो तेरे रोज में है ना, अरे हम फोन भी आया। हेलो 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 हेलो, नमस्कार। आज भैया भाभी आ रखे हैं, और बंदा होते दीदी भी आ रखे हैं, धीरज जी भी आ रखे हैं, और हमारी बाकी फैमिली है ना, भैया और भाभी आ रखे हैं, और बंदा होते धीरज जी और दीदी भी आ रखे हैं। संडे आज हम नमस्कार नमस्कार, लंच कर लिया हमने और चाय भी पी ली, और अब बैठे हुए हैं हम आराम से। थोड़ा मैं भी आ जाता हूँ। हेलो, आज फ्री आ रखे हैं देहरादून से विद फैमिली, और हम बड़े खुश लग रहे हैं। तो कल कहाँ जा रही है दीदी, देखो तैयारी हो रखी है पूरी, और सब देरी वाली गाड़ी से हमें छोड़ के हम आग के लाई सेकेंगे। अब लकड़ी ला रखी है, इकट्ठे कर रखे दीदी ने, अगर सेकेंगे तो हम ही सेकेंगे आग। डियर फ्रेंड्स, हम छुटमलपुर जा रहे हैं जेठू जी के साथ में। शिवम ढाबा पे हैं इस समय। हेलो, आप भी घूमने आ रखे हो? मैं भाई के साथ आ गई घूमने, भाई ने बोला थोड़ा घुमा के लाते हैं गाड़ी में। हाँ, इसलिए हम छुटमलपुर जा रहे हैं। ये है गाड़ी है, और ये भाभी जी भी आ रखी हैं, और पिंकी है बहन सिस्टर, और ये है सामने क्वांटम कॉलेज, क्वांटम यूनिवर्सिटी। यहाँ नीरज भी पढ़ता है, BBA सेकंड ईयर में है वो। सरिता हेलो, हाँ हाँ नमस्कार। ये हो रहा है मिलन। इतने कि बच्चे यही दुबके पड़े। बच्चों बाहर आ जाओ। क्यों मैं क्या तुम गाड़ी में? ठंड लग रही है। यहाँ करके तो और आओ उसको ना ना को। इनकी बात तालाब हो रही है। ये क्वांटम यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा कॉलेज है उत्तराखंड का। तो हम इस समय डियर फ्रेंड्स छुटमलपुर जा रहे हैं पिकनिक मना रहे हैं। आज संडे है, हमारी न्यू कार आ रखी है, हमारे साले साहब हैं, इनकी बिल्कुल न्यू ब्रांड कार है। और पीछे हम घूमने जा रहे हैं और इन्होंने जिद करी कि चलो हमारे साथ घूमने हैं। पिंकी ने भी और जेठू जी ने भी, और ये आकृति भी आ गई, नैन्सी भी आ गई, और ये आकृति भी। मैंने इनको मना किया था पर आ गए। क्यों आए तुम लोग? चलो आ गए तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मैं तो इसलिए कह रहा था, मैंने कहा इतनी भीड़ कहाँ जाओगे तुम। हाँ ये तो चल, अच्छा करा तो आगे बहुत अच्छा हुआ है ना। आना नैन्सी, मामा मना कर रहा था ना, मैंने कहा ठंड में कहाँ जाओगे तुम, इतनी भीड़ कहाँ जाएगी है। हेलो, आगे देखो ना, मना रहे हैं हम, सही आ रहे हैं, आज तो बहुत मजा आएगा। आगे देखो हम सही जा रहे हैं, पिकनिक हो गया आज, कहीं नहीं चले जाना, भूल गए।
नीचे तो हम रास्ता थोड़ा भूल गए थे, मैं वीडियो बनाने में लग गया तो जेठू जी ने गाड़ी ऊपर ले ली। अब हमें वापस जाना पड़ रहा है और आज धुंध इतनी है कि आज बिल्कुल सूर्यदेव के दर्शन तो हुए नहीं है। ऐसा ही मौसम है, गाड़ी के अंदर बिल्कुल ठंड नहीं है ना। हेलो, कैसा लग रहा है? यही सोचा मैंने कि भगवानपुर जा रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं। थैंक यू। हेलो हेलो आकृति, कल गांव जा रही है अपने नानी के घर और कल से हमें बहुत याद आ रही है। तो हम छुटमलपुर पहुंच चुके हैं। ये है छुटमलपुर, बहुत बड़ी मार्केट है ये। बाहर से तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल, मगर यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ ए टू जेड चीज़ें मिलती हैं और रेट भी सही होता है उनका। यहाँ कम से कम 1000 से ज़्यादा दुकानें हैं। और एक ग्राहक ये भी हैं छोटे छोटे। अरे हम तो छोटे बच्चे हैं। हेलो कस्टमर्स, हेलो, क्या चाहिए तुम्हें? हमें तो गोलगप्पा खाना है पर हम शॉपिंग कर रहे हैं। तो आप कपड़ों की दुकान में क्यों आए? ये तो कपड़ों की दुकान है, देखो हैं? गोलगप्पा खाना है तो गोलगप्पे के ठेले में जाओ। हाँ, छुटमलपुर में बहुत बड़ी दुकान है, ये शोरूम है। हेलो हेलो, गाइस, तो ये सूट दिलाया भैया ने हमें दुकान में, उस दुकान में ये मेरा सूट है और ये दीदी को दिलाया ये वाला सूट। बहुत अच्छे सूट हैं, गरम सूट दिलाए हैं छुटमलपुर से और इसीलिए लेके गए थे भैया हमें साथ में।